हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार मैं आज का व्लॉग बनाना ही भूल गई थी, बट मेरे भाई ने बोला आपने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा हाँ यार भूल गई थी। सबसे पहले मैं उठी और उठते ही मैंने लगा दी, क्योंकि भाई घर में थोड़ा काम था तो मैंने सोचा पहले ये फटाफट काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है पानी और मैं आज बनाने वाली हूँ मैगी वाला पास्ता, क्योंकि आज संडे है तो ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं हो रहा। आज ऋत्विक का ऑफिस भी है तो इसीलिए। तो यार मुझे ये बताओ, मैगी का कौन सा पास्ता आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है? मुझे तो इसके मशरूम पेने वाला जो होता है वाइट सॉस, वो आज मेरे पास यही है मसाला पेने, तो मैं ये वाला बना रही हूँ। बड़ा क्विक बन जाता है ना यार ये, फटाफट फटाफट एकदम डालो और फिर मसाला डालो। हो गया, ये मैंने डाला इसमें मसाला और इसको और पकने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद आके चेक करूंगी हुआ कि नहीं। तो भाई आप लोगों के क्या प्लान्स हैं आज? मेरा तो कहीं बाहर जाने का मन है यार। आज भाई को भी बोल रही थी, ऋत्विक तो ऑफिस गया है, उसका गजब का ऑफिस है, संडेज भी उसके कभी कभी वर्किंग हो जाते हैं। तो यार बताओ क्या करूं आज, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग तो वीडियो कल देखोगे तो कल बताओगे। तो यार चलो, आप सब लोग सोच रहे होंगे यार अभी तो ये सो के उठी थी, नाश्ता कर रही थी, अब इतनी रेडी कैसे हो गई? यार ऋत्विक की कॉल आई फटाफट, उसने मेरे को बोला कि अनु आजा हम लोग कहीं घूमने चलते हैं आज। तो मैं अभी जा रही हूँ साकेत, अभी ये डिसाइडेड नहीं है हम कहाँ जाने वाले हैं, और हमारा एक फ्रेंड भी आज आने वाला है। यार संडे है तो ऑब्वियसली घर पे किसका रहने का मन करता है, तो मैंने बुक कर ली अपनी रैपिडो, सस्ता सुंदर टिकाऊ, और फटाफट अब बाइक आने वाली है। तो हम लोग सिर्फ बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हैं, फाइनली जा रहे हैं सिलेक्ट सिटी वॉक। तो इसका दोस्त मिल गया है, कहाँ है राजेश? हेलो ऋत्विक, कहाँ जा रहा है? ये देखो अलग ही मेरा आ गए हैं एप्पल के स्टोर पे, क्योंकि राजेश को लेना है आईफोन 15 प्रो। और अब यार आईफोन की शॉप पे जैसे आते पता नहीं, मुझे भी बहुत आ रहा है। हम लोग ना सिलेक्ट सिटी वॉक में फ़ोन देखने गए थे और वहाँ पे काफ़ी महंगा मिल रहा था। आईफोन 15 प्रो लेना है हमें, बट उससे बेटर ऑप्शन वहाँ मिल रहा है जहाँ से मैंने अपने अभी रिसेंट दो गैजेट्स लिए थे, एक S24 अल्ट्रा और मैंने एक लिया था हमारा मैकबुक एयर 2। तो यार उसके बाद ना हमें लग रही थी तेज़ों की भूख, और मैं और ऋत्विक हमारी फेवरेट प्लेस में आए, जब हम डेट करते थे हम यहीं आते थे। देखो मैं दिखा रही हूँ, डिगिंस इसका नाम है, आप लोग आए हो? ये चाणक्यपुरी ग्रीन पार्क बहुत जगह पे है गाइस। यहाँ का एम्बियंस देखो एक बार, बहुत ही प्यारी जगह है, मैं अंदर पूरा लेके जाऊँगी आपको। और देखना हम लोग क्या क्या ऑर्डर करने वाले हैं, ये पेवमेंट पूरी इन लोगों की है, और यहाँ पे ये क्यूट सा बॉय, वेरी गुड एम्बियंस एंड वेरी पॉजिटिव वाइब्स यू गेट है। 10 मिनट की वेटिंग के बाद फाइनली हमारी टेबल मिल गई है हमें, आउटडोर ही चाहिए थी। मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, ऋत्विक क्या डिसाइड करा है आपने? एक तो फरेरो, एक बेल्जियम है। क्या बेल्जियम? अच्छा, और मेरा वो क्वाट्रो फॉर्मिगो। और राजेश तुम्हें क्या खाना है? मेरा फर्स्ट टाइम है तो खाने के बाद में फीडबैक दूंगा। अच्छा ओके, ये फीडबैक देगा सीधा, ऑर्डर बता दे। तो ये आ गया हमारा चिकन बर्गर, कौन खाएगा इसको? जुगाड़ क्योंकि शेक हम ट्राई कर रहे हैं ना पहली बारी। चलो एक चीयर्स करते हैं। ओ भाई साहब खा लो, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, एकदम चीज मेल्ट हो रही है इसमें। अच्छा तो खाओ फिर। मेरा फेवरेट है, यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। शेक तो ऋतिक का फेवरेट है। ये देखो गुगु कितना बड़ा है एप्पल। कैसा
लाइसेंस से ही खाता हूँ सुग्गी नहीं गिर गया, तेल गिर गया। खा पी के हम लोग सीधा पहुंच गए यहाँ रिलायंस डिजिटल, जहाँ पे हमने फोन ऑर्डर करा, कहीं मिल ही नहीं रहा था ब्लैक कलर का 15 प्रो। लॉन्डे की स्माइल देखो रे लॉन्डे। तो भाई फाइनली इसका 15 प्रो इसने ले लिया है, खुशी देखो चमक रहा है अलग से। हाँ दबा, नमस्ते देखा ये मैं पहुंच चुकी हूँ घर और काफी थक गई हूँ यार, अब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया इधर उधर जाते आते। बट खुशी होती है ना जब आपका कोई क्लोज पर्सन कोई एक अचीवमेंट करता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा। मुझे राजेश ने न्यू फोन लिया, दिल से मतलब बहुत आई फील सो प्राउड यार। ऐसा लगता है ना कि आपने कुछ अचीव करा, जब आपके क्लोज वंस कुछ अचीव करते हैं। यार अब मैं घर पहुंची हूँ और आलू उबला हुआ रखा है, तो मैंने सोचा मैं आलू की सब्जी फटाफट बनाती हूँ और आटा भी गूंदना है, वो करके सामान सेट भी करना है घर का, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फैला के रखी है। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ घर पे नहीं है, तो हमें पूरी आज़ादी एकदम वो बैचलर वाली लाइफ जी रहे हैं। तो यार अब वो आने वाले 13th को और हमें जल्दी से सब करना है, वरना पता है ना यार बड़े लोग बोलते हैं कि तुम लोग कितने निकम्मे हो, कोई चीज़ सही से नहीं रखते। तो बस यार फटाफट अब मैं खाना बनाती हूँ, फिर खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं उसके बाद, ठीक है।